हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शॉप पे आए हैं, नीचे भी टाइल्स का काम हो चुका है। आपने जब भी वीडियो का देखा होगा, वीडियो में मतलब शॉप का देखा होगा, तो तब ना उस टाइम नीचे नहीं लगी थी टाइल्स, सीढ़ियों तक लग गई थी। लेकिन अभी जो है इधर की साइड भी लग चुकी है, नीचे की साइड भी, और वाइट कलर की हैं। आप लोग बताना, अभी तो इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा कि आप लोग बताओ कि टाइल्स कैसी हैं, क्योंकि ये प्लेन वाइट नहीं है। इनमें ना जब वो मार्बल की तरह होता है कुछ वैसा टाइप का है, वो बाद में साफ़ होने के बाद दिखेगी। और उधर की साइड जो है इन्वर्टर और मोटर रखी जाएगी, तो इसलिए उधर की साइड थोड़ा सा जो ओवर टाइल्स है उनसे थोड़ा नीचे रखा गया है। खैर वो तो कवर ही हो जाएगा। उसके बाद अभी जाने लगे हैं ऊपर, लाइट का प्रबंध नहीं है तो फ़ोन की लाइट जलाकर ऊपर जा रहे हैं। और ये मेरा शोल जो है, आप लोग बोलेंगे, कुछ लोग ध्यान देंगे, कुछ लोग मेरे बोलने के बाद ध्यान देंगे कि रश्मि ये जला हुआ शोल मत लिया करो, लेकिन मैं बाज नहीं आने वाली अपनी इन हरकतों से ना। शायद अगले साल यहाँ उड़ कर तो ना आऊँ, अभी तो ऐसे ही आई हूँ। तो आ गई थी, घर पे थी, घर पे बैठे हुए थी, और ऐसे ही मैंने कहा चलो यार शॉप का काम देख के आना है, मेरा बड़ा मन हो रहा है। जब से यहाँ पर काम जो है ना, जैसे टाइल्स का और अब लकड़ी का भी शुरू होने वाला है, तो ये सब देखने का मन होता ही है। किचन का भी जो है, देखिए सिंक लग चुका है किचन में, और ये पत्थर भी सेट हो चुका है, शायद इसकी घिसाई होनी है। और किसी ने कमेंट किया था कि आप ऐसी टाइल्स लगवा लेते, वैसे ही लगवा लेते, तो ये तो हमने रूम ऐसे ही बनवा लिया है। तो इसमें फिर भी हमने, मैंने तो सच बताऊँ मैंने टाइल्स का भी कैंसिल कर दिया था कि प्लेन फर्श रखते हैं। फिर विपिन ने बोला कि नहीं चल कर लेते हैं, जब इतना हो रहा है फिर बाद में देखेंगे, तो बाद में लगेगी नहीं, फिर अभी लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं विकास नगर, दही लेनी थी, मतलब स्पेशल दही के लिए। आप दही लेने आ रहे थे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ मतलब बच्चे साथ में ना खाए पिए, हो ही नहीं पाता है। ऐसे मन होता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। मेरा गोलगप्पे का मन हो रहा था बड़े दिनों से, तो फिर यहाँ पे जैसे जाते जाते ना बात कर ही रहे थे कि गोलगप्पे खाएंगे, और बच्चे फिर साथ में हैं तो वो कुछ अपनी पसंद का भी ले लेंगे। तो विकास नगर पहुँचने वाले हैं हम लोग, और हम जा रहे हैं कृष्णा डेयरी। जो लोग विकास नगर से आए हैं, हरबतपुर से भी हैं, नाम सुना ही होगा उनका। दही मुझे उनकी अच्छी लगती है, तो दही वगैरह वहीं से ही आती है हमारी। और उनका दही का तो ऐसे रहता है जैसे शिवरात्रि हो या जन्माष्टमी हो, तो उस दिन तो उनका दही ख़त्म ही हो जाता है। वो कई बार हमें भी नहीं मिल पाती है, या फ़ोन करके बोलना पड़ता है मॉर्निंग में कि भाई हमारे लिए रख देना, तब हमें मिल पाएगी, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे जो हम पहुँच चुके थे, और मैं सोची थी यार मैं गाड़ी में ही हूँ, तुम लोग चले जाओ, क्योंकि मार्केट आए हैं, सूट के हमने कमीज और रंग का पहना है, और जो पैंट पहना है वो और कलर का पहना है, शॉल हमने और कलर का लिया हुआ है, थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन फिर जब विपिन ने बोला चलना कुछ नहीं होता, मैंने कहा चलो चलते हैं। और गोलगप्पे वैसे मैं ये भी सोची थी ना खड़े होके ही खाते हैं आज, वहाँ पे घर पे लाके नहीं खाएंगे, तो इसलिए हिम्मत सी करके उतर कर आ गई। तो यहाँ पे हम सारे के सारे गोलगप्पे खा रहे हैं, हमने दो प्लेट के करीब खाए होंगे सबने मिलके, मतलब एक एक दो दो तीन तीन गोलगप्पे खाए थे सभी ने ना। तो बस मेरा ना मूड सा खराब हो गया था यार, मीठे मीठे। मैं भैया को बोला भैया मेरे को मीठे पानी के मत देना, क्योंकि मुझे ना मीठे पानी वाले ज़्यादा नहीं पसंद है, मीठा मुझे बिल्कुल लाइट सा पसंद है। मुझे चटपटे वाले में मिक्स करके हल्का सा मीठा होना चाहिए, बहुत ही लाइट सा, वो भी ना वो तीखेपन को हल्का सा कम करता है वो। लेकिन भैया ने ना, सच बताऊँ मैं उनको बोल रही, एक ही बार दिया मेरे को बाकी दो गोलगप्पे मीठे, मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा यार अब ज़्यादा मेरे से खाए नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों ने अपना चटपटे का सामान लिया, जिसके बाद मैं खाऊंगा बेटा। अच्छा क्या ये, नीचे बैठो, सिट सिट, क्यों तब तक देंगे नहीं, बैठो सिट सिट, बैठोगे आप तभी मिलेगा आज आपको, तो बैठना है नीचे बैठ। कैसे है ये, चलो दूध में डाल के देखते हैं। देख रही है भड़का है, भड़का है नहीं, मेरे पर भूख रहा है, मैं दे नहीं रही तो।
ये है नेक्स्ट डे। कल मैं अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई और यहाँ पे जो है मैं रेडी हो रही हूँ। हम जो है गांव में जा रहे हैं, एक फंक्शन और है। इस बार हमारे गांव में काफ़ी सारी शादियाँ हैं इस साल। कुछ शादियाँ अभी स्टार्टिंग में ही हैं साल के और कुछ शादियाँ जो हैं अक्टूबर नवंबर के दौरान होंगी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और कोशिश पूरी करूँगी कि हर किसी के यहाँ जाऊँ, क्योंकि पहले ना मेरे बच्चे भी छोटे हुआ करते थे और बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अभी बच्चे भी बड़े हैं और थोड़ा खुशी भी घर पे होती है उनके साथ, तो मेरे को टेंशन नहीं होती है, थोड़ा रहता है। और अभी जैसे गुड्डू भी होती है तो कई बारी मैं उसको भी छोड़ के गई हूँ जब खुशी भी नहीं थी, गई भी थी। तो अभी बस अपना मुँह धो के मेकअप वगैरह करेंगे थोड़ा बहुत। क्या मैंने यूज़ करा था ना मामा का आया, वो भी ठीक है। मामा के प्रोडक्ट अच्छे हैं वैसे, खुशी को तो पसंद है। हाँ मेरे को पसंद है। मैंने पोनी टेल बना। बस आज हम फिर से गांव में एक फंक्शन में जा रहे हैं। विपिन की फ्रेंड है, काफी अच्छे फ्रेंड हैं। उनके यहाँ मतलब जैसे बड़ी बेटी की भी शादी हुई थी तो नहीं जा पाए थे हम, मैं नहीं जा पाई थी, विपिन तो गए थे। तो फिर ना मैंने कहा यार चलते हैं और इन्हें भी तैयार करा, क्योंकि ये लड़कियां रेडी नहीं हो रही थी जाने के लिए कि नहीं हम नहीं जा रहे हम नहीं जा रहे। मैंने कहा चलो फटाफट, तो फिर क्योंकि ना जाना आना करते हैं यार। तो अभी ये वाले बाल कराने के बाद ना मैं टेंशन फ्री रहती हूँ बालों की तरफ से। कहीं भी जाना हो बस कंघी मारो, क्लेचर लगाओ, मैं रेडी। और सूट मैंने ये वाला पहन लिया था क्योंकि यहाँ पे ना फिर से ठंड हो गई है। अभी धूप कैड़ी निकल रही है, अगर ऐसे ही निकलती रही तो फिर आगे ठीक हो जाएगा। किसी ने कॉमेंट किया था बहुत पहले इसी सूट वाले वीडियो पे, मतलब कोई जिसमें मैंने ये वाला सूट पहना हुआ था, कि बहुत शाइनी शाइनी सा है ये ना, मतलब थोड़ा वो वाला वेलवेट है और काफ़ी अच्छे वाला वेलवेट है ये, वैसे ही शाइनी लगता होगा पर ये शाइनी शाइनी है नहीं, ऐसे ही लाइट की वजह से लग रहा होगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये सूट, ये कलर जब आया था तभी मैंने सोच लिया था कि इसका मुझे पीस लेना ही लेना है, ना भी बचे तो मैं क्या करती हूँ ना दोबारा से मंगा लेती हूँ अपने लिए इस टाइप की चीज़ें। फिर पूरा ही कैटलॉग आता है, खैर एक पीस तो नहीं आता, चाहे वो मुझे भी लेना हो पूरा कैटलॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर हम वहाँ पर आ गए थे जहाँ पर है मेहंदी का फंक्शन। तो यहाँ पर देखो मेहंदी के लिए तैयारी की हुई है, मेहंदी हल्दी दोनों की तैयारी थी ये, क्योंकि दिन में हल्दी थी और रात में मेहंदी थी। तो यहाँ पे देखो डेकोरेशन कितनी सुंदर हो रही है ना, फोटोज़ वगैरह लेने का दिल कर रहा था मेरा वहाँ पे जाके। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अभी लड़की आएगी वो बैठेगी, क्योंकि अभी लड़की नहीं आई थी, अभी सिर्फ खाना शुरू हुआ था। ये होता है ना कि सब लोग पहले घर के खाने से निपटो या जिनको भी बोला हुआ है, फिर आगे का जो गीत गाने हैं डांस करना है वो फंक्शन हो। कल है शादी, देखते हैं शादी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यहाँ पे खड़े होकर वही बात चल रही थी कि आप जाओगे आप जाओगे आप जाओगे, क्या पहनेंगे, ये सब डिस्कशन होता है ना कि हाँ यार साड़ी पहने सूट पहने और तो कुछ क्या ही, मतलब लहंगे लुंगे तो वही पहनते हैं जिनके घर में होता है, अच्छा भी लगता है करना भी चाहिए। तो हम लोग वहाँ से आ चुके हैं और लेट चुकी हूँ बहुत बुरी तरीके से, आज मैं थकी हुई हूँ कल और आज दो दिन से। मैं फ़ोन चेक करने लग गई थी ऑर्डर्स वगैरह जो है नीचे, जैसे फ़ोन है आप पता क्या है टाइमिंग बन जाएगी यार शॉप पे जाने के बाद वहाँ पे ना, क्योंकि मैं घर पे कर ही नहीं पाऊँगी, मेरे पास अभी क्या है ऊपर ही है तो मैं चेक करना ये वो लालच आ जाता है कि चलो। गुड्डू मेरा ये कवर करिए, खाना खा के आ गए हैं। क्या कर रहे हो? दो तीन दिन बार बार बस दो तीन दिन से जो है ऐसे ही हो रहा है, एक आध दिन छोड़ के फिर बाहर पार्टी होती है। कल उनकी बेटी की शादी है जिनके हम अभी खाना खा के आए हैं, तो शादी में विपिन तो जाएंगे कन्फर्म है और शायद विपिन के साथ तन्मय कन्फर्म है कि जाए, पर मेरा खुशी का कॉलेज है वो नहीं जाएगी। मेरा और गुड्डू का 50-50 है कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, 50-50 में अभी नहीं कह सकते। अगर भाभी ने 1% पूछा तो मैं चली जाऊंगी भाभी के साथ, वरना मैं नहीं जाऊंगी। और पता है यहाँ आईब्रोज भी नहीं बनी हुई हैं ऐसे, चलो यहाँ तो गांव में तो चल जाता है लेकिन बाहर नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और ये तो तीनों येलो येलो हो गए थे, लक्की भी येलो में था, और अगर मैं दिन का सूट चेंज ना करती ब्लू ना पहनती तो मैं भी येलो में ही थी, तो फिर हम सारे येलो येलो में ही लगते। मेहंदी है उनके घर आज, सुंदर सजा रखा था। मेहंदी संगीत दोनों है ना कल शादी, तो हल्दी लिखा था। अरे हम अंदर गए नहीं लड़की को देखने, 11:50 है ना, देख लो जो भी किया हुआ है आज वाले सूट के बाद दिखाओ, मैं बताती हूँ चेक करके।
अभी फिर से नेक्स्ट डे है, कल भी मैं ये व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई। ये 3 दिन का व्लॉग है जो कि थोड़ा 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 करके है। पिछले 1-2 दिन तो मेरा व्लॉग आया भी नहीं, इसी वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी भी थी, तो फिर एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला, ना ही व्लॉग ज़्यादा बन पा रहा था। तो यहाँ पर जो है अभी सुबह के टाइम में मैं ऊपर से ऊपर गई थी, कुछ मेरा काम था, फिर मैं नीचे आई, फिर नीचे के काम थे, तो हाउस वाइफ प्लस बिजनेस वूमेन मतलब सारी चीज़ें देखनी होती है, घर गृहस्थी अपना काम भी सब कुछ, सबको टाइम देना पड़ता है। तो गुड्डू के जो है, गुड्डू तन्मय दोनों के, और अभी तो जब खुशी जो है उसके भी एग्ज़ाम सुना है कि उसके भी शुरू होने वाले हैं। उसके एग्ज़ाम ऐसा है कि 11 से शुरू होंगे और शायद 15-16 में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो छुट्टी वाले एग्ज़ाम होते हैं ना ये बहुत लंबे चलते हैं, तो इनके एग्ज़ाम तो मेरे ख्याल से 20-21 में ख़त्म होंगे, क्योंकि बीच में किसी में 1 छुट्टी है, किसी में 2-3 छुट्टी हैं, इस तरह से है। तो यहाँ पर ना धनिया और पुदीना है जिसकी मैं चटनी बनाने वाली हूँ। ये धनिया ना वो दूध आते हैं ना सुबह में विपिन जाके आंटी से, तो आंटी दे देती हैं। पिछली बार उन्होंने मतलब अभी 5-6 दिन पहले उन्होंने पालक भेजा था काफ़ी सारा, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह से भेजती रहती हैं जो भी उनके यहाँ होता है। और आंटी अगर ये व्लॉग देख रही हैं या निशा ये व्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू निशा, क्योंकि देखती हैं और वो मेरे से जैसे शॉपिंग वगैरह भी करती हैं। मैं उन्हें पहले नहीं जानती थी जबकि वो मेरे गाँव से ही हैं, थोड़ा दूर हैं लेकिन गाँव के अंदर ही हैं, लेकिन वो जब मेरे पास आई उन्होंने बताया कि वो मेरे वीडियोज़ देखती हैं, फिर उन्होंने सूट्स खरीदना शुरू किया, तो अच्छे से जान पहचान हो गई, तो पता चला हाँ ये भी हमारे गांव से हैं। थक चुकी हूँ और बैठ चुकी हूँ, नहाने जाऊंगी, पानी चलाकर आई हूँ अपना, गर्म पानी की टूटी ना थोड़ी कम चलती है तो उसको लगाकर आई हूँ, मैंने कहा नहाऊंगी अब। और पता क्या है, मैंने ना थोड़ी लाइट वाली कराई थी, ये स्मूथनिंग जो कराई थी वो लाइट पे कराई थी, क्योंकि एक तो होती है इसकी थोड़ी वैसी जिसमें बल इतनी जल्दी नहीं पड़ते। अब मैं सोची यार जब मैंने कराई थी तो मैं पूरे वाली करा रही थी, मैंने लाइट वाली क्यों कराई, क्योंकि कहीं कहीं ना बल पड़ने शुरू हो गए हैं बालों में। शैम्पू की खुशबू आ रही है, कल सर धोया था और कल धोएंगे, कल ये व्लॉग आपको मिलेगा। आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और चटनी बनाई है, अभी शादी में जाने का सोच रही हूँ, जाऊँ ना जाऊँ ऐसा चल रहा है, तो भाभी को फ़ोन करती हूँ, उनसे पूछती हूँ वो जाएंगे क्या, थोड़ा सा साथ हो जाता है अगर कोई जाए तो। विपिन तो जाएंगे क्योंकि अच्छे मतलब उनसे उनकी बातचीत है भैया से जिनकी बेटी की शादी है, तो इस वजह से ही मैं रात में भी गई थी, क्योंकि जब उनकी बड़ी बेटी की शादी हुई थी ना तब नहीं इतना जा पाए थे, तो अभी मैंने कहा चलो अब देखती हूँ। विपिन तो जाएंगे, तन्मय भी शायद जाए, अभी तो वो जा चुके हैं, विपिन दोबारा से भी अभी आएंगे, अभी वो वहीं गए हैं जहाँ पर शादी है ना हॉल में, वहाँ पर हरबतपुर है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मिलन पैलेस में। तो अभी अगर तन्मय को लेने आएंगे और फिर वो अगर मेरे को जाना होगा तो मेरे को लेने भी आ जाए, मतलब मैं भी साथ चली जाऊंगी। अभी तो मैं गई नहीं इतनी जल्दी, क्या करना, खाना तो 2 बजे जाके कहीं शुरू होता है, 1 से 2 के बीच में, तो पहले भाभी से पूछते। शादी में जाना हो गया है फाइनल कि मैं भी जा रही हूँ, और मैंने अपना ये वाला सूट पहना है। इसका ना जो प्लाजो है वो बहुत नीचा है, बहुत उसे ना मतलब मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा इलास्टिक वाले एरिया से कटवा दूँ। वैसे अब ये भी सोच रही हूँ कि अब ये पहना ही कितना जाएगा, 2-3 बार और फिर मैं क्या करूँगी ना, इस कुर्ती के नीचे कोई दूसरा पैंट वगैरह बनवा लूँगी इसी कलर का, वो पहना जाएगा, क्योंकि कुर्ती तो अभी पहनी जाएगी, लेकिन जो ये शरारा है ना, जैसे मैंने स्कर्ट वाले सूट का किया हुआ है उसके नीचे मैं पजामी डाल लेती हूँ, येलो वाला जो है उसकी बात कर रही थी, तो देखती हूँ करते हैं कि नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा लाइनर लगाने लगी हूँ, आज काफ़ी दिनों बाद लगा रही हूँ, कितने सारे फंक्शन में चली गई हूँ बीच बीच में, लेकिन मैंने लगाया नहीं, सिर्फ मश्कारा लगा के छोड़ दिया था, पर आज मेरा मन हुआ कि चलो थोड़ा सा आई शेडो भी लगाते हैं और थोड़ा सा जो है लाइनर भी लगाते हैं। और लिपस्टिक जो है मैं डबल उस पर करके लगाती हूँ, थोड़ा ब्राउन और थोड़ा रेड मिक्स करके, फिर ये वाला कलर बन जाता है। और नेल पेंट भी लगा लिया था जल्दी जल्दी में, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं जब शादी में जा रहे हैं, पैरों में नहीं लगा पाई जल्दी थी कि भाई चलना है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब कहीं शादी में जाना हो तो पहले से उसकी तैयारी करनी होती है, अब हमारा प्लान ही एकदम से बना। तो यहाँ पर जो है ये भी हमारे गाँव के बच्चे हैं, कह रहे थे वीडियो में आएगी तू साइड हो जा, तो ऐसे कर रहे थे। तो अभी हम लोग जाएँगे अंदर, मतलब पहुँच ही चुके हैं जहाँ पर शादी है उस हॉल में, तो ये भाभी और मैं हैं। थोड़ा सा मैंने कहा चलो वीडियो बना दो, क्योंकि किसी की शादी है उसका डिटेल में तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, थोड़ा बहुत ही रहता है जहाँ जहाँ पे हम होते हैं वहाँ वहाँ, दूसरों का क्या है ना अनकंफर्टेबल हो बंदा, मतलब फिर मना कर दे या बाद में कुछ बोल दे तो थोड़ा अजीब लगता है। इस तरह की चीज़ें ना मेरे साथ बहुत पहले हुई हैं, तो इस वजह से मैं नहीं करना चाहती हूँ। जब कोई कंफर्टेबल होता है या सामने से बोल देता है तभी करते हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा सब खाया, चाउमीन खाई थोड़ी सी, एक ही प्लेट में ले ली थी चाउमीन मैंने और भाभी ने, तो अच्छी लगी। और टिक्की खाई थी थोड़ी सी,
टिक्की भी अच्छी लगी, सब कुछ बढ़िया था। फिर हम खाने पीने के बाद बैठ गए थे आके कि चलो चलेंगे घर, लेकिन दूल्हा दुल्हन को देख लेते हैं। गुड्डू घर पे ही है, वो नहीं आई क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, तो उसने मना कर दिया था कि मुझे तैयारी करनी है। तो मैं आ गई थी और उसका इस बीच जो है फ़ोन भी आ गया था कि मम्मी जल्दी आ जाओ। मैं रुक गई थी, मैंने कहा मैं थोड़ा सा जो है दुल्हन को देख लेती हूँ। तो दुल्हन बहुत बहुत दुल्हन सारी सुंदर होती हैं, तो बहुत सुंदर लग रही थी दुल्हन भी दूल्हा भी। तो घर पे फिर दूल्हा दुल्हन को देखने के बाद हम लोग आ गए थे, बल्कि हमने वरमाला भी नहीं देखी उनकी जयमाला। फिर हम आ गए थे, घर पे आने के बाद चेंज वेंज किया, क्योंकि वही वाली बात है कि वो प्लाजो जो है ना वो पूरा नीचे तक लटकता हुआ जाता है, तो फिर इधर उधर जाना हो तो वो लटकता, तो मैंने कहा चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर ये भैया आए थे जो अब लकड़ी का काम शुरू करेंगे, तो विपिन ने मुझे फ़ोन किया कि जाकर इनको बता दो। तो मैं अपने साथ कार्तिक को ले आई थी, तो यहाँ पर कार्तिक और मैं आ गए थे इनको बताने के लिए। थोड़ा को डिज़ाइन बताना पड़ेगा कि हमें किस तरह का चाहिए, फिर ये आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वैसे तो मुझे ये लगता है कि जो लोग करते हैं उनको ज़्यादा अच्छा पता होता है, वो ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है, उन्होंने बोला भी था अगर हम कर देंगे कल को फिर आप बोलोगे ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतने डिज़ाइन देखे ना हमने बीच में, इतनी सारी चीज़ें निकाली, लेकिन अभी वो दिन आ गया तो अब सब दिमाग से बाहर हो गया, समझ ही नहीं आ रहा यहाँ इस ये कराएं तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। तो चलो देखते हैं क्या रहता है। तो इस वीडियो को भी हम यहीं एंड करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं, बाय।